रेनी सीन बनाने के लिए बच्चों आपको पोस्टर कलर चाहिए, ब्रश, पेंसिल और एक ड्राइंग शीट, ये आप ले लीजिए। और जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग करना, वैसे ही आपको मेरे साथ साथ ड्राइंग करना है, ठीक है। स्टार्टिंग वैसे ही करनी है जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने मन से कहीं से भी ड्राइंग नहीं करना है। तो रेनी सीन बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक बॉय और गर्ल बनाएंगे अम्ब्रेला के साथ में, ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हम इसको सेंटर में बनाएंगे। पेपर के बीच सेंटर में आप एक अम्ब्रेला बनाइए बड़ी सी, बॉय गर्ल बनने के बाद में अब हम बैकग्राउंड बनाएंगे इसका। तो मैं ये आपको एक विलेज सीन बनाना बता रहा हूँ, विलेज का सीन है बारिश का, तो बैकग्राउंड में हम हट्स बनाएंगे और सड़क बनाएंगे, कच्ची सड़क ऐसे। पहले ग्राउंड बनाइए, उसके बाद में बैकग्राउंड। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, कैसे हाउस बनते हैं गांव के, विलेज के हाउस कैसे होते हैं, हट्स वगैरह। पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखना बच्चों, कैसे ड्राइंग होती है और कैसे पूरा पेंटिंग होती है, उसके बाद में आप स्टार्ट करना।
ये पूरा कंप्लीट हो गया है ड्राइंग, अब हम इसमें पेंटिंग करेंगे, देखो कैसे पेंटिंग होता है। बच्चों कोई भी नेचुरल सीन होता है उसको जब हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्काई में कलर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वाटर कलर कर रहे हो तो पूरे स्काई में पहले पानी लगा लो, ऐसे पूरा पानी लगाने के बाद में फिर उसके ऊपर कलर लगाओ तो अपने आप स्प्रेड होता है और स्काई के जैसा लुक देता है। ये देखो रेनी सीन है तो थोड़ा क्लाउडी इफेक्ट देने के लिए ऊपर से डार्क कर देंगे और क्लाउड्स बना देंगे, बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहिए पेंटिंग को, उसके बाद में फ्रंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी चीज़ें हैं उनको पेंट करना चाहिए। स्काई के बाद ट्रीज हैं, इसमें ट्रीज के बाद में हट्स हैं, हाउस है, ग्राउंड है, रोड है, ये सब चीज़ें पेंट होगी। सबसे लास्ट में ये बॉयज गर्ल एंड बॉयज पेंट होंगे आपके घर के साथ में, इस तरीके से आपको ये पेंट होगा।
पहले पूरा येलो कर देंगे, येलो करके ग्रीन का शेड देंगे, ग्रीन के बाद में ग्रीन और ब्राउन को मिक्स करके भी थोड़ा सा शेड देंगे नीचे की साइड में। जो नीचे कलर दिख रहा है आपको बच्चों, ये ग्रीन में